चलिए, तो दोनों खेमे अपने अपने खेमे के प्रत्याशी के जीत को लेकर आश्वस्त हैं, दावा कर रहे हैं। सहयोगी सूरज का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं रामगढ़ उपचुनाव को लेकर किस तरह की गहमा गहमी देखने को मिल रही है। जी सूरज। देखिए दीपक, गहमा गहमी पूरी तरह से तेज हो चुकी है। महज दो दिन बचे हैं चुनाव प्रचार प्रसार, उसके बाद कल के बाद ये खत्म हो जाएगी क्योंकि 27 तारीख को वोटिंग होनी है। और ऐसी स्थिति में दोनों पार्टियों की अगर हम बात करें, कांग्रेस और आसू के जो कैंडिडेट हैं, चाहे वो सुनीता चौधरी हो या फिर बजरंग महतो, उन दोनों पार्टियों के जो प्रमुख नेता है लगातार यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। इसके अलावा जो साझा उम्मीदवार के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो JMM कोटे से, वो खुद बजरंग महतो के पक्ष में लगातार लोगों से अपील करते नजर आ रहे हैं। कि देर के बाद देखिए मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहाँ पर रोड शो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो साझा कैंडिडेट है, जो आसू के जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी को जिताने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती है। इस वक्त हम खड़े हैं रामगढ़ में और ये रामगढ़ का मेन चौक है, सुभाष चौक है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पाकी के विधायक है शशिभूषण मेहता। हम इनसे बात करते हैं क्योंकि लगातार ये डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और कुशवाहा वोट बैंक को किस तरह से सुनीता चौधरी को मिले ये सुनिश्चित करने के लिए लगातार ये मेहनत कर रहे हैं। सिपुजन जी, क्या कुछ लग रहा है, लगातार आप कैंपेनिंग कर रहे हैं डोर टू डोर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपके कैंडिडेट को, यानी साझा कैंडिडेट आसू के? देखिए, ये रामगढ़ उपचुनाव में आज कोई विकल्प नहीं रह गया है, केवल सुनीता चौधरी रह गई हैं। इसलिए इसका कारण है कि ये जो सरकार है, सो हेमंत जी की सरकार है, यूपीए जी की गठबंधन की सरकार है, ये हर मोर्चे पर ये फेल है। और आप देखें कि किस प्रकार से इन्होंने ऐसा वादा किया था युवाओं के साथ में कि हम 5 लाख प्रतिवर्ष ऐसी नौकरी देंगे, और 3 साल हो गया, चौथा चल रहा है, और 4 साल में करीब चल रहा है और मात्र 357 सरकारी नौकरियां दे पाए हैं। तो ये कही कि युवाओं के साथ धोखा, बेरोजगारों के साथ धोखा। और ये इन्होंने ये भी कहा था कि हम ऐसा बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम नौकरी नहीं दे पाएंगे। तो आज कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रही है, MA पास है उसको 10,000 देंगे, BA पास हो उसको 7,000 देंगे, IA पास हो उसको 5,000 देंगे, अब इस प्रकार से मैट्रिक पास को 4,000 देंगे। तो ये जो नारा इन्होंने दिया था सब फैसले, ये कहिए कि सवाल ये भी है कि मुख्यमंत्री खुद स्टेज से, यानी जो चुनावी मंच है वहाँ से लगातार वो निशाना साध रहे आसू के कैंडिडेट के ऊपर, आसू के ऊपर में कि ये पूंजीपतियों की पार्टी है और पैसे के धन बल पर जीतना चाहती आसू। आप देखिए, हमारे उम्मीदवार इतने लोकप्रिय हैं कि जितना काम है सो इनके अपने काल में इन्होंने किया था CP चौधरी ने, उतना कहिए कि ये अब लोगों में काफ़ी ऐसा राहत मिला, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे आपका ITI हो, सारा कुछ है सो अपना यहाँ पर रामगढ़ लाने का काम किया है। और ये 3 साल के अंदर विकास जो है पूरा ऐसा ठप हो गया है, और बड़े उम्मीद के साथ सुनीता चौधरी जी को NDA उम्मीदवार को की ओर देख रहे हैं लोग। और ये पिछले बार से ज़्यादा इस बार कहिए कि जो BJP का वोट मिला था, 35,000 वोट मिला था, 35 नहीं बल्कि अभी कहिए कि ये 50,000 वोट BJP का वोट है सो मिलने जा रहा है इनको, और कुल मिला करके ये अपार मत से सब जीत। मतलब आपका कहना कि इस बार सुनीता जो चौधरी 50,000 वोट से ज़्यादा लाएंगी, मतलब जो जीत के आंकड़े। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है बजरंग महतो को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अभी जो जीत के आंकड़े हैं और जो रुझान अभी फिलहाल जो जनता का दिख रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि इस बार फिर ममता देवी को देखते हुए लोग वोट करेंगे बजरंग महतो को। ये उनका अपना आकलन है, लेकिन जिस प्रकार से UPA के खिलाफ में माहौल है, इस सरकार के खिलाफ माहौल है, जो इन्होंने ठगा है उसके कारण से ये दशा दिशा तय करने वाला है ये विधानसभा, और ये लोग ये भी उपचुनाव होने वाला है, ये राज का दशा दिशा तय करेगा। और इसी को देखते हुए पूरा राज में एक बदलाव का लहर है सो आने जा रहा है, बदलाव होगा। अब ये है सो पूरा आम आवाम को, गरीब गुरबा सबको विश्वास है। देखें कि
किस प्रकार से भ्रष्टाचार का आलम है, किस प्रकार से इंजीनियर के यहाँ ये 250-300 रुपये में सब बोतल से पानी पीने वाले इंजीनियर इनके हैं, कहाँ से पैसा है, वो किनका कितना उनका वेतन मिलता है। और इसके अलावा कहिए कि आप इनका कहिए कि लोहा की चोरी, कोयला चोरी, बालू चोरी। आई बालू का देखिए अभी स्थिति कि आप जितना प्रधानमंत्री आवास बन रहे थे सब ठप है, और जितना है सो कहिए कि निर्माण कार्य हो रहे थे सब ठप है, और केवल है सो हाईवा से जो है बड़े बड़े ऐसे कहिए कि ये ले जाने वाले हैं बाहर, इनके सब पर सरकार के सब पर सरकार के मंत्री और विधायक जो लगे हुए हैं उनका कहिए कि उनके कारण से पूरा। लेकिन मुख्यमंत्री भी मन से यह कह रहे कि आसू पार्टी के जो बड़े नेता है वो कोयला चोरी करवाते हैं रामगढ़ में, लोहा चोरी करवाते हैं, बालू चोरी करवाते हैं। ये क्या ये इनकी कहनी है, कह रहे हैं उसमें कोई दम नहीं है। यहाँ की जनता सब जानती है कि किसने ऐसे चोरी करवाया, किस प्रकार से कौन ऐसे कौन विधायक, कौन उनके पार्टी के लोग किस प्रकार से लूट मचा के रखे हैं, और किसी कारण से इनके खिलाफ में पूरा माहौल बना हुआ है। और आने वाले समय में NDA का ऐसे उम्मीदवार को जीतना तय है, और ये दशा दिशा तय करेगा कि पूरे आने वाले समय में NDA का ही ये सरकार बनने जा रहा है, और जिसमें कि ये आपका आसू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होगा, और गठबंधन कैसे ये सरकार बनेगी और अपार मतों से जीत करके ऐसा सरकार हम लोग बनाएंगे। दीपक देखिए चुनावी मंच से आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है, और फिलहाल जिस तरह से जो अभी समीकरण बन रहे हैं इसमें लगातार मुख्यमंत्री का भी कैंपेनिंग यहाँ पे देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री के आज दो कार्यक्रम है, गोला में और ये शहरी क्षेत्र में, दोनों जगह मुख्यमंत्री रोड शो करेंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता चाहे वो बाबूलाल हो या रघुवर दास हो या दीपक प्रकाश, उनका भी कई सभा आज रामगढ़ जिले में देखने को मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि 27 तारीख को होने वाले रामगढ़ उपचुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये आने वाले 2024 का दिशा दिशा तय करेगी ये चुनाव। हालांकि अब ये देखना कि राज्य माफ कीजिएगा रामगढ़ की जनता ममता देवी जो अभी फिलहाल जो जेल में है उनके पति जो बजरंग महतो को चुन के विधानसभा भेजते हैं, या फिर आसू के जो प्रत्याशी है सुनीता चौधरी, ये फिलहाल हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो हम सीधे शशि भूषण मेहता से ले सकते हैं। चुनावी गहमागहमी पर अपडेट्स के लिए हम फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इन तमाम बातचीत और ताजा जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।